नारी शक्ति आन है, बान है, शान है, नारी शक्ति को सलाम। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं समाचार न्यूज इंडिया। द्रौपदी मुर्मू, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति पद जीतकर सभी का दिल जीत लिया है और पूरे विश्व भर में से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है भारत की। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिक हैं और इससे पहले झारखंड में वो पहले राज्यपाल पद पर थीं और उन्हें भारत सरकार की तरफ से जेड प्लस सुरक्षा भी प्राप्त है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का एक आम महिला से लेकर राष्ट्रपति पद तक का सफर कैसा था, वो आसान नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू का यहाँ तक का सफर कैसा रहा। द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा में रहते हुए कई प्रमुख भूमिकाएं भी निभाई हैं। उन्होंने एसटी मोर्चा पर राज्य अध्यक्ष और मयूरभान के भाजपा जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। साल 2007 में मुर्मू को ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में चुना और वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। वो ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता भी हैं जिन्हें ओडिशा राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वो काफी बड़े बड़े पद पर रह चुकी हैं। बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में, तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में मयूरभंज जिले के एक गाँव आदिवासी परिवार में हुआ। द्रौपदी मुर्मू के पिता बिरंची नारायण टूटू हैं और उनकी शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई। द्रौपदी मुर्मू की खुशहाल भरी जिंदगी में उन्होंने अपने दो बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इस खुशहाल भरी जिंदगी में उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी जीवन चल ही रहा था, खुशियां आई ही थी कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को 2009 में खो दिया, जो अचानक ही उनके बड़े बेटे की मौत हो गई। और इसके बड़े बेटे की मौत की वजह से द्रौपदी मुर्मू को सदमा लग गया, लेकिन उस सदमे से बाहर निकलने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ी और खुद को उस सदमे से बाहर निकाला। अभी आगे बढ़ी थी कि उन्होंने 2013 वर्ष में अपने दूसरे बेटे को भी एक सड़क हादसे में खो दिया। द्रौपदी मुर्मू फिर भी हार नहीं मानी कि कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने भाई और माँ को भी खो दिया, उनका स्वर्गवास हो गया। द्रौपदी मुर्मू फिर भी अभी इस सदमे से उभरी नहीं थी कि उन्होंने वर्ष 2014 में अपने पति को भी खो दिया। बहुत ही दुख भरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने और हिम्मत नहीं हारी। फिर भी 2015 में जाकर वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने कई बड़े बड़े पद पर काम किया, लेकिन उनके अंदर कभी किसी प्रकार का अहंकार नहीं आया। एक समय वह जब शिव मंदिर गई, तब मंदिर में अच्छी तरह से साफ सफाई ना होने पर उन्होंने खुद ही मंदिर में झाड़ू लगाया और उसके बाद मंदिर के दर्शन किए। आप यहाँ इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि वो उसी मंदिर की साफ सफाई करते हुए झाड़ू लगा रही हैं। तो जैसा कि आपने तस्वीर में देखा कि द्रौपदी मुर्मू बिना स्वार्थ के मंदिर में सफाई कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। शायद ये निस्वार्थ सेवा ही आज उन्हें राष्ट्रपति पद बनने तक के मुकाम तक पहुंचाया है। हालांकि 25 जुलाई को वो शपथ लेंगी, जिसके बाद वो कार्यभार संभालेंगी और द्रौपदी मुर्मू ने विश्व भर के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं।